लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग, इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है, गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है, नेबल लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं, एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है, बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं।